नमस्कार, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 मीडिया। स्मॉल बिजनेस शुरू करने के आइडियाज़ के इस एपिसोड में हम आपको टेलरिंग बिजनेस के बारे में बताएंगे। टेलरिंग बिजनेस की बात करें तो यह एक ऐसी पारंपरिक बिजनेस है जिसकी महत्ता बीते वक्त के साथ बढ़ती गई है। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि वर्तमान में लोगों का रुझान रेडीमेड कपड़ों की तरफ ज़्यादा है। वक्त की कमी के चलते रेडीमेड कपड़े खरीदना ही लोग आजकल पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी स्थान मार्केट में एक या एक से अधिक टेलर की मौजूदगी यह दर्शाता है कि भले ही लोगों का रुझान रेडीमेड कपड़ों की ओर हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिटिंग को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और वे टेलर से ही कपड़े सिलवाते हैं। इसके अलावा विभिन्न विशेष अवसरों के लिए लोग रेडीमेड के बजाय फिटिंग के कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं। यदि टेलरिंग बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन चाहे तो ग्राहकों की कपड़े संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए ग्राहकों के ऑर्डर से पहले भी कपड़े सिलकर बेच सकता है। जैसे कि हम सबको पता है कि कपड़ा मनुष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसलिए मनुष्य किसी और चीज़ पर पैसा खर्च करे ना करे, लेकिन अपने पहनावे पर पैसा ज़रूर खर्च करता है। टेलरिंग बिजनेस के बारे में कहा तो यहाँ तक जाता है कि इनमें इतना सामर्थ्य है कि यह 2 रुपए से 200 में बदल सकता है। इस बिजनेस में इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। टेलर या दर्जी से भला कौन वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में हर गली मोहल्ले में इनकी उपलब्धता है। 80 के दशक में जन्मे लोगों को अपनी बचपन की शादियाँ या इत्यादि याद होंगी, तो उनमें टेलर अर्थात दर्जी की उपस्थिति भी याद होगी, क्योंकि उस समय शादी में दर्जी को ही कपड़े सिलने के लिए बुलाया जाता था। टेलरिंग बिजनेस को हम कपड़े सिलने का काम भी कह सकते हैं। यह काम कोई अपने घर से भी करता है। इस बिजनेस में उसके ग्राहक सिर्फ कपड़े दे जाते हैं, जिसे टेलर पैंट शर्ट कुर्ता सलवार में परिवर्तित करके ग्राहक को वापस लौटाता है। क्योंकि समय समय पर लोगों के पहनावे की शैली में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए जो टेलर लेटेस्ट फैशन के मुताबिक खुद को अप टू डेट रखता है, उसके बिजनेस की सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि टेलरिंग के बिजनेस में आजकल क्या संभावनाएँ हैं। 80 और 90 के दशक की बात करें तो टेलरिंग बिजनेस करने वाले लोग अपने ग्राहकों के लिए कुछ त्यौहार जैसे कि दशहरा, दिवाली, होली, ईद का इंतजार करते थे, क्योंकि यह एक ऐसा दौर था जब लोग त्यौहार या विभिन्न अवसरों पर ही नए कपड़े खरीद कर इन्हें सिलवाते थे। लेकिन वर्तमान में पहनावा किसी त्यौहार या विशेष अवसर का मोहताज नहीं रह गया है। आज के समय में लोग कभी भी कपड़े सिलवा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में लोग वर्ष भर कपड़ों की खरीदी कर उन्हें सिलवाते हैं, इसलिए यदि टेलरिंग के प्रति सही प्रतिभा या सही दृष्टिकोण हो तो इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस बिजनेस में कुछ प्रमुख लाभों की लिस्ट भी है, जैसे कि इस बिजनेस में बिजनेसमैन अपने फैशन स्टाइल व क्रिएटिविटी के आइडियाज़ के मुताबिक काम और डिलीवरी कर सकता है। इस बिजनेस में बिजनेसमैन अपनी पसंद के मुताबिक पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ काम करता है। टेलरिंग बिजनेस की शुरुआत में बिजनेसमैन किसी प्रकार का कोई स्टाफ नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। शुरुआत दौर में बिजनेसमैन अकेले या फिर कुछ एक दो लोगों के साथ काम कर सकता है। इस बिजनेस को बेहद कम लागत में शुरू किया जा सकता है, क्योंकि यदि आपको सिलाई आती है तो आपको इस तरह का यह बिजनेस शुरू करने के लिए एक सिलाई मशीन और सिलाई की चीज़ें ज़रूरी होंगी, जिन्हें 10 से 12 हज़ार में आसानी से खरीदा जा सकता है। बिजनेस में मार्जिन अन्य बिजनेस की तुलना में अधिक है, इसलिए बिजनेसमैन इस तरह के बिजनेस को करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। टेलरिंग बिजनेस की शुरुआत दौर में यह ज़रूरी नहीं होता है कि आपको किसी मार्केट में ही अपनी दुकान खोलनी है, बल्कि इस बिजनेस की शुरुआत आप अपने घर से भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आप टेलरिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई का काम आता है, चाहे वो कोई महिला या पुरुष हो, उनके लिए टेलरिंग का बिजनेस शुरू करने का काम बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस उन्हें ज़रूरत है उस क्षेत्र में पहने जाने वाले पहनावे को बनाना आना। चूँकि इस बिजनेस को शुरू करने में लागत कम लगती है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में बिना सोचे समझे या मार्केट के विश्लेषण के बिना शुरू कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि वर्तमान में सबसे बड़ी लागत समय है, इसलिए जिसमें भी समय खर्च होता है उस काम को सोच समझकर एवं मार्केट रिसर्च के बाद ही शुरू करना चाहिए। टेलरिंग बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेसमैन को मार्केट में चल रहे फैशन एवं ट्रेंड के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इसलिए कौन सा ट्रेंड एवं कौन सा फैशन चल रहा है का पता करने के लिए मार्केट रिसर्च बेहद ज़रूरी है। बिजनेसमैन को केवल ट्रेंड व फैशन जानने के लिए ही मार्केट रिसर्च नहीं करना होता है, बल्कि थोक एवं फुटकर की दुकानों से पता
यह भी पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए बिजनेसमैन में के काम आने वाली सिलाई मशीन, ड्रेस मटेरियल या फिर कई और चीज़ों की कीमत भी पता होनी चाहिए। यदि आप सिलाई में कितने भी पारंगत क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको लेटेस्ट फैशन व पहनावे की जानकारी नहीं है तो आपकी पारंगति कमाई में तब्दील होने में समय ले सकता है। आप यह मत कभी सोचिए कि अगर आपने अपनी बहन के लिए एक सूट तैयार कर लिया तो आप टेलरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बल्कि एक बिजनेसमैन टेलर बनने के लिए व्यक्ति के पास सही तकनीक एवं कौशल का होना भी जरूरी है। टेलरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेसमैन को सुई से लेकर सिलाई मशीन तक बहुत छोटे छोटे उपकरणों की आवश्यकता होती है, जो बेहद छोटे लेकिन इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए बिजनेसमैन को चाहिए कि वह इस बिजनेस में उपयोग लाई जाने वाली हर मशीन को खरीदे। टेलरिंग बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर जगह बड़ी मजबूत प्रतिस्पर्धा है। इसलिए जब आप किसी ऐसे बिजनेस में प्रवेश करते हैं जिनमें पहले से तगड़ी कंपटीशन है, तो आपको अपने आप को अलग दिखाने के लिए काफ़ी मेहनत और मजबूत मार्केटिंग रणनीति की ज़रूरत होगी। वर्तमान में बिजनेसमैन के पास अपने बिजनेस को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोट करने के लिए अनेकों मुफ्त एवं भुगतान एवं पेड किए जाने वाले प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। इनके अलावा बिजनेसमैन अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रेफरल कार्यक्रम एवं पहली खरीदी पर उन्हें कुछ अतिरिक्त ऑफर भी दे सकता है, जिससे ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।